अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर भाई? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी है, चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को शेयर किया। तो जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में जिक्र करता हूँ कि फेक एजेंटों के हत्थे नहीं चढ़े, फेक एजेंटों के हत्थे नहीं चढ़े। फेसबुक वाला जो भी एजेंट आपको बोलता है कि मैं आपको वीज़ा दूंगा, वो बिल्कुल झूठ बोलता है। तो पाकिस्तान में तो फ्रॉड हो चुका है इस चीज़ के मतलब। अभी मैं आपको अपने एक इंडिया वाले भाई के साथ मिलवाता हूँ, उनके साथ आपका इंटरव्यू करवाता हूँ, तो आपको पता चले कि सिर्फ पाकिस्तान में ये फ्रॉड नहीं हो रहा, ये इंडिया में भी फ्रॉड हो रहा है। तो लिहाजा किसी भी एजेंट के साथ, फेसबुक वाले एजेंट के साथ डील नहीं करें। और साथ में वो भाई आपको बताएंगे कि उनकी सैलरी कितनी है, वो उन्होंने इंडिया में किस जगह से हैं और उन्होंने इंडिया में किस जगह से वीजा लिया है। तो आपकी बातचीत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं? और जुवेद भाई कैसे हैं? घर में सब ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। और सुनाए, तो कैसी है अलमराई कंपनी? अलमराई कंपनी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छी फैसिलिटी है अलमराई कंपनी में। तो हमारे बहुत सारे भाई इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि अलमराई कंपनी के वीजे, जैसा कि आप इंडिया से हैं ना, इंडिया से किस जगह से हैं आप? सर मैं इंडिया से यूपी से हूँ। अच्छा, जिला बुलंदशहर पड़ता है, कस्बा गुलाउटी का रहने वाला। अच्छा, तो हमारे बहुत सारे भाई इस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं कि अलमराई के वीजे इंडिया में किस जगह पे जाते हैं और कैसे ले वीजे। तो आप कौन सी एजेंसी से आए थे? जी सर, मैं अलमराई की जो है इंडिया में दो ब्रांच है एजेंसी की, एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है। दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में दिल्ली में पड़ता है, नासिर ओवरसीज के नाम से ये ऑफिस है जिससे मैं आया था, और बॉम्बे में सेंटा क्रूज के पास में ये ऑफिस है नासिर ओवरसीज के नाम से। ठीक है सर, और मैं ऑफिस चार्ज दे के आया था, यानी 15,000 रुपए ऑफिस चार्ज दे के। बस ऑफिस चार्जेस दे के आए। तो आपका मेडिकल करवाने के कितनी देर के बाद आपका वीजा लग गया था? मेरा मेडिकल होने के बाद मिनिमम 20 डेज, यानी 20 दिन के अंदर मेरी वीजा लग गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने मेरी फ्लैट हो गई और आज मैं अलमराई कंपनी में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये जो फेक एजेंट हैं, जो जैसे आपने मेरे साथ पहले जिक्र किया था कि ये जो फेक एजेंट है जो फेसबुक पे अड्डे देते हैं, इनके साथ कभी कोई डील करनी चाहिए कि नहीं? भाई साहब, फेसबुक पे मैंने देखा है, मेरे जो रिलेशन के हैं, जो मेरे एरिया के बहुत बंदे बाहर रहते हैं, वो फेसबुक के इधर फंस जाते हैं और उनका पैसा हत्या लिया जाता है। ये बहुत परेशानी वाली बात है। मेरा कहना तो यही है, फेसबुक के ऐसे एडवाइजर के साथ में ना जाया जाए तो बेहतर है। अच्छा, तो जवेद भाई आप अलमराई में क्या काम कर रहे हैं? जी मैं डिलीवरी ड्राइवर हूँ अलमराई में। अच्छा, तो आपकी कितनी सैलरी है? जी मेरी सैलरी 1300 बेसिक है, 400 फूड अलाउंस है, टोटल 1700 सैलरी है मेरी। अच्छा, तो कोई ओवर टाइम भी लगता है? सर हाँ, ओवर टाइम लगता है मेरा, 2 से 3 घंटा मिनिमम एवरी डे लगता है। अच्छा, तो लास्ट महीने में आपने कितनी सैलरी ली थी, कितनी सैलरी मिली थी आपको? मेरी लास्ट महीने में 2000, यानी 2075 रियाल के, मतलब जैसे भी है 2000 तक आपकी सैलरी आ रही है। तो आप खुश हैं अलमराई कंपनी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तो अच्छा, तो जुवेद भाई बहुत सारे आदमी इस चीज के बारे में सवाल करते हैं कि अलमराई कंपनी में कितने घंटे ड्यूटी है, तो आप कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? सर अलमराई कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटा लंच का लगता है, मिनिमम 9 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है मुझे, उसके बाद ओवर टाइम लगता है, मर्जी आप 2 घंटे लगाए या। तो जो रूम है, रूम आपका अपना है कि कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ? कंपनी ने प्रोवाइड किया है रूम, अल्हम्दुलिल्लाह रूम 2 स्टार रूम है। अच्छा, कोई सब फैसिलिटी है रूम में, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी कैंटीन का फर्स्ट क्लास है। तो जो फूड अलाउंस मिलता है आपको, कभी आप खाना कैंटीन से खाते हैं और कभी मैस से खाते हैं कि पक्का मैस से खाते हैं? मैं अभी तक तो फिलहाल मैस से खा रहा हूँ, कभी कभार जी कर जाता है तो बाहर जाके होटल पे खाना। तो मैस पे कितने पैसे पे कर रहे हैं खाना खाने के लिए? मैं मैस में एक टाइम का खाना लेता हूँ 180 रियाल, यानी 180 में लेता हूँ। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अब कुछ भाई जो सऊदी अरेबिया में आने के ख्वाहिशमंद है, तो अलमराई कंपनी में खासकर, तो आप उनको क्या सुजेस्ट करेंगे कि किधर जाएं, किधर से वीजा लें, किधर से पता करें? जी सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अलमराई कंपनी का अगर वीजा लेना चाहते हैं तो नासिर ओवरसीज एक बेस्ट एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी है। जी तो मैं चाहता हूँ आप वहीं जाएं, इधर दिल्ली में भी है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं नासिर ओवरसीज को, जिससे मैं आया था उसी की। मैं नासिर ओवरसीज की डिटेल जो है ना, मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा। शुक्रिया जी जवेद भाई, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया।
अगर कोई भाई इंडिया से है और जावेद भाई से कोई किसी किस्म का सवाल पूछना चाहता है किसी भी किस्म का, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।